नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग तीन की फाइनल लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आई। वर्ग तीन की फाइनल लिस्ट इतने लेट आने का कारण क्या है? जैसे कि आपको पता है, वर्ग एक और वर्ग दो की फाइनल लिस्ट ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लिस्ट टाइम पर ना आने का प्रमुख कारण है कि कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई है, जिस कारण से वर्ग एक और वर्ग दो की स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट बहुत देरी से आ रही है। किंतु वहीं पर हम बात करें वर्ग तीन की फाइनल लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, तो वर्ग तीन की फाइनल लिस्ट आने का कोई भी सार्वगर्भित कारण नहीं है। पहले अभ्यर्थी मोबाइल फोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से पूछ सकते थे, किंतु कुछ समय पहले पोर्टल पर ऐसा अपडेट आया है कि फोन कर या कार बात फोन पर बात करके ईमेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी प्राप्त करना है तो भोपाल आकर वहां पर अधिकारियों से बात कीजिए। इस बात को याद ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ मित्रगण भोपाल पहुंचते हैं और माननीय जी से बात करते हैं। वहां पर निर्देश दिए जाते हैं कि 6 या 7 दिन या 10 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, लेकिन वो 1 हफ्ता कभी भी नहीं आता है। तो इसका सारगर्भित कारण क्या है? तो इसका सारगर्भित कारण है चुनाव। सरकार चाह रही है कि वर्ग तीन की फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया लेट हो। यदि वर्ग तीन की फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया लेट होगी तो सेकंड काउंसलिंग भी लेट होगी, और सेकंड काउंसलिंग की स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट जारी किए जाएंगे चुनाव से 1 या 2 माह पहले या चुनाव के जस्ट कुछ ही दिन पहले, जिसका सीधा इफेक्ट चुनावी माहौल पर पड़ेगा और जो वोटर्स होंगे उन्हें लुभावने का कार्य किया जा रहा है। तो यही सबसे प्रमुख कारण है वर्ग तीन की फाइनल लिस्ट ना आने, वर्ग तीन की फर्स्ट काउंसलिंग की फाइनल लिस्ट ना आने का। आपके अनुसार कौन सा प्रमुख कारण है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। यह जो हमने जानकारी दी, वीडियो पब्लिश डेट 25 फरवरी 2023 के अनुसार दी। नमस्कार।